में नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के मामले में पिता को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में लेते हुए पिता को फांसी और 51,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही बेहतर विवेचना के लिए पुलिस को शासन की ओर से 1 लाख रुपए, जबकि एडीजी गोरखपुर की ओर से 50,000 और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। बता दें कि सुजली थाना इलाके के तहत 25 अगस्त 2021 को पत्नी ने आरोपी पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें पत्नी ने आरोपी पति के खिलाफ 2 सालों तक अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए 25 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मात्र 11 दिनों में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने 2 माह के ट्रायल के बाद पीड़िता को न्याय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो प्रथम नितिन पांडे ने आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। बहराइच से संवाददाता मोहम्मद अनस तारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। मोहम्मद अनस तारिक, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने बहुत ही कम समय में बड़ा फैसला सुनाया है, नाबालिग बेटी से रेप के मामले में पिता को सजा सुनाई गई है। जी मैं आपको बता दूं, ये 15 साल की बेटी थी जिसके साथ इसका सगा पिता दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। लगभग 3 साल तक ये हुआ, जिसके बाद बेटी की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा को संज्ञान में लेते हुए जो है इसका मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 85 दिनों में ही मात्र फांसी की सजा सुनाई गई है। जी धन्यवाद मोहम्मद अनस तमाम जानकारी के लिए। को FIR दर्ज हुई थी। इस FIR के दर्ज होने के बाद इसमें चार्ज बना इन धाराओं में, और फिर इसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा साक्षी इसकी जो वादी मुकदमा थी पीड़िता की, मुकदमा दर्ज कराया था इसकी माता द्वारा। इसमें इसका साक्षी, इसका सगा भाई था, 2 अन्य गवाह पड़ोसी थे, और इसके बाद इस ट्रायल के बाद आज अदालत ने इनको सभी धाराओं में दोषी पा करके और 536 में इनको आजीवन मृत्युदंड से दंडित किया। ये इनका कृत्य ऐसा था, अक्षम्य था, एक पिता के द्वारा लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया गया था। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल थी, इस अपराध को गंभीर मानते हुए, विरलतम मानते हुए कोर्ट ने इसमें फांसी